नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को फर्स्ट टाइम रजिस्टर कैसे करना है। तो अगर आपके पास भी बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहते हो अपने बैंक अकाउंट के मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करना है, तो कैसे आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्टर करना है, मैंने इस वाले वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर डिटेल से पता चलेगा बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को फर्स्ट टाइम कैसे रजिस्टर किया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पर जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर को ओपन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है BOI मोबाइल बैंकिंग ऐप, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा BOI मोबाइल, तो आपको क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप डायरेक्ट इस वाले ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ पर ओपन दिखाई देगा, ओपन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर अलाउ दिखाई देगा, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। दूसरे बार आपको यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रखने चाहता हूँ, इसी वजह से इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर छोटा सा चेकबॉक्स दिखाई देगा, चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सेप्ट, तो क्या करना है इसी के पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा वेल यूजिंग द ऐप, तो क्या करना है इसी के पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको OTP फिल अप करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर अलाउ दिखाई देगा, अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। अपने आप OTP फिल हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वेरीफाई OTP दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके मोबाइल पर दो सिम है तो यहाँ पर आपके पास सिम चूज करने का भी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से एक SMS आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर वाले जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं आया तो यहाँ पर आप फिलहाल तो रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके पास डेबिट कार्ड आ चुका है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेबिट कार्ड, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अपने जो भी डेबिट कार्ड के 16 डिजिट का नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अपने डेबिट कार्ड के एक्सपायर डेट फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंटर कार्ड पिन, ATM से कैश विड्रॉल करने के टाइम में जो भी 4 डिजिट का पिन फिल करके कैश विड्रॉल कर दो, वही 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। अगर आपने अभी तक बैंक ऑफ इंडिया के ATM कार्ड की पिन जेनरेट नहीं किया, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, उस वाले वीडियो को देख के अपने ATM कार्ड के पिन जेनरेट कर लेना है। पहले मैंने यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। अब सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा वेरीफाई कार्ड डिटेल्स, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बोला जा रहा है सेट MPIN, मतलब हमें यहाँ पर MPIN सेट करना है। MPIN सेट करने के लिए इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 डिजिट का MPIN आपको यहाँ पर अपने हिसाब से क्रिएट करना है। पहले यहाँ पर 6 डिजिट का MPIN था, यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो हमें यहाँ पर 4 डिजिट का MPIN क्रिएट करना है। अब MPIN फिल अप करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड दिखाई देगा, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है री एंटर MPIN, तो अभी जो आपने 4 डिजिट का MPIN फिल अप किया था सेम 4 डिजिट का MPIN आपको दोबारा यहाँ पर फिल अप करना है। दोबारा MPIN फिल अप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेट MPIN, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे जो भी MPIN है यहाँ पर सेट हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हो बैंक के तरफ से हमारे पास SMS भी आ चुका है और यहाँ पर सक्सेसफुल भी हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ओके दिखाई देगा, ओके में क्लिक करना है। अगर आप फिंगरप्रिंट अलाउ करने चाहते हो तो आपको क्या करना है यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप फिंगरप्रिंट अलाउ नहीं करने चाहते आपको यहाँ पर नो के ऊपर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्कैन योर फिंगरप्रिंट, तो हमें क्या करना है फिंगरप्रिंट को इसी के ऊपर रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर सक्सेसफुल अभी दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखाई देगा, अगर आप चेक करना चाहते हो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर स्किप दिखाई दे रहा है, स्किप के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1-2 सेकेंड वेट करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप MPIN के थ्रू लॉग इन कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फिंगरप्रिंट के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पर फिंगरप्रिंट के थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग को यहाँ पर
इसी तरीके से लॉग इन भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर मोबाइल ओटीपी के आगे जो भी चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक रहने देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेफ चेंजेस, तो क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर ओके दिखाई देगा, ओके में क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हो यहाँ पर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके चेक कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको स्किप दिखाई देगा, स्किप के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। अगर आप बैलेंस चेक करना चाहते हो आपको यहाँ पर दिखाई देगा बैलेंस, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर अपने एटीएम कार्ड के डिटेल्स चेक करना है तो आपको यहाँ पर माई कार्ड दिखाई देगा, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट अपने एटीएम कार्ड के इमेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपको कार्ड के डिटेल्स चेक करना है तो आपको क्या करना है इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, कार्ड के एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अपने नाम दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ब्लॉक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, अपने एटीएम कार्ड यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड है इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। मेरा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने पर्सनल डिटेल्स चेक करने चाहते हो आपको क्या करना है यहाँ पर फास्ट पेज पर आ जाना है। फास्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है इसी प्रोफाइल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अपने नाम और आपको कस्टमर आईडी दिखाई देगा। अगर आपने और भी डिटेल्स में चेक करने चाहते हो इसी के ऊपर दोबारा क्लिक कर देना है। अपने नाम दिखाई देगा, अपने कस्टमर आईडी, आपके मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी, अपने बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, प्रॉपर एड्रेस के साथ आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स में दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फंड ट्रांसफर करने चाहते हो आपको क्या करना है फास्ट पेज पर आ जाना है। फास्ट पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा बैंक ट्रांसफर, सेल्फ ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज, सारे कुछ यहाँ पर आप घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपको भी बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना है इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।